बिहार में जो 2024 की आधारशिला क्या रखी गई आपके अनुसार? हाँ, बिहार में 2014 की आधारशिला, 2024 की आधारशिला ये रखी गई है कि बिहार को नीतीश कुमार को या किसी को भी, नीतीश कुमार पलटू आदमी है, सबको पता है इस बात का, वो 8 बार सीएम बना ही किस लिए, इधर से उधर पार्टी में जाने के लिए, उसको वो अपॉर्चुनिस्ट है बहुत बड़ा। और बीजेपी वाले क्या जाने और ये क्या जाने बिहार की राजनीति को, बिहार की राजनीति फिलहाल तो ये है बीजेपी के पास कि बीजेपी हर एक जगह हारती जाएगी। अभी उसका घमंड बहुत ऊपर गया हुआ है, अभी उसका घमंड बहुत ऊपर गया हुआ है, अभी हारेंगी हारेंगी आएंगी, अभी सबको पता कब आएंगी, पता कब आएंगी, जब मैं बताता हूँ, जब जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, जब रेल बिकलेंगी, जब एमएनसीज सारी बिकलेंगी, जितनी भी सरकारी हैं, पीएसयूज बिकलेंगी सारी, सारे बैंक प्राइवेट हो जाएंगे, सारी सरकारी नौकरियां प्राइवेट हो जाएंगी, और जब जब 30-30 हज़ार रुपए लेने वाले कांस्टेबल हमारे हरियाणा के, दिल्ली के कांस्टेबल जब 10-10 हज़ार होमगार्ड पे आ जाएंगे ना लेने पे, तब इनको पता चलेगा कि घर कैसे चलते हैं। ये तो रांडे हैं, इन के मेरा घर को खर्चा ले आ रहे हैं। एक मिनट, ये रांड है ना, सोनिया गांधी कौन है, रांड ना है, इधर सुन, मैं सुना रहा हूँ ना, नीतीश रांड है कि नहीं है, नीतीश रांड है या नहीं है, जिसकी ये बात कर रहे हैं, नीतीश रांड है, नहीं नहीं नहीं, ये इनकी भाषा देखो, ये रांड की बात कर रहे हैं। अरे जिसका फैमिली था और पंजाब सरकार, जिसका फैमिली था, का बुड्ढा 25 साल, अरे यार बात सुनोगे यार, 25 साल वो पीएम की कुर्सी पे थोड़ी बैठे हैं, अरे सुन ले यार, सुन लो, जिसका फैमिली था लालू का, कितने करोड़ का घोटाला, मुलायम सिंह का फैमिली था, कितने करोड़ का घोटाला, ये एक मिनट पीएम केयर्स फंड पूछो, 2000 करोड़ रुपए का घोटाला, अरे भाई जो खुद ही चोर, जो खुद ही चोर, पहले बोले एक बार एक स्वामी के पास एक गुड़ खाने वाला गया, उसकी माँ ले गई, बोले कि भाई इसको ये गुड़ बहुत खाता, शुगर की बीमारी है, तो स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले बताऊंगा मैं अभी आ रहा हूँ, गए तो बोले बताएं पहले तो मैं गुड़ खाना छोड़ दूँ, उसके बाद में मैं आपको सलाह देता हूँ। जो खुद ही चोर हैं, कोयला खा के काले कपड़े पहन के बस मुंह काला करके गधे पे बैठना बाकी था इनका, सुनो, मैं ये दुहाई दे रहे हैं, मैं डिबेट बहुत जल्दी खत्म करता हूँ, पता है इस टाइम पे देश में क्या हुआ हुआ है, देश में क्या हुआ हुआ है, देश से पहले ना 100 रुपए सबको मिला करते थे, देश में 100 रुपए से सब लोग खुश नहीं थे, आज मोदी ने 100 रुपए छीन के 10 रुपए रख दिए और यूं कह दी तुम्हें इसी में गुजारा करना है, सबको वो इतना हो गए, हाय मोदी, राजीव गांधी सुनिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, राजीव गांधी का एक बयान बताता हूँ, राजीव गांधी का एक बयान बताता हूँ, राजीव गांधी ने खुद कहा था अपने मुंह से, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ भाई उठा लेना, 100 रुपए देने के बाद 2.5 रुपए जेब में जाते थे, आज कम से कम ये सोच कितने, एक मिनट, किसान वीर हो गए थे शुरू, अग्निवीर हो गए थे शुरू, 4 साल के लिए, मैं बताता हूँ तुम्हें, मुद्दे तो तुम्हारे पास है नहीं, हिंदुत्व करते रहो सारे लोग, और क्या करे इस्लामी, वही एक काम करो, वो जो मंदिर सुनो, अरे मेरे भाई, अरे मेरे, कश्मीर का मुद्दा देख लिया, दिल्ली दंगा देख लिया, तुम्हारे सुनो, हमारे बच्चे ना, अरे सचिन कौन था, ये जो दिल्ली दंगे में आईबी का ऑफिसर मारा गया कौन था भाई, बता दो, पूछो ना, अब जो बात कही आपने आरजेडी और जेडीयू की, के बीजेपी के खिलाफ है, भाई साहब बीजेपी के खिलाफ ये इसलिए हैं क्योंकि इन्हें 2024 में इलेक्शन लड़ना है, लोग कहते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, हम जब भी सत्ता में आते हैं हम देश हित के लिए आते हैं, हम समाज सेवा के लिए आते हैं, अरे घंटा समाज सेवा के लिए आते हैं, ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए आते हैं भाई साहब, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के भूखे हैं, बिहार की जनता के साथ इन्होंने धोखा कराया, धोखा, अगर इनमें इतनी हिम्मत थी, अगर क्या कहते हैं नीतीश कुमार में इतनी हिम्मत थी, अकेले प्रचार करता, 2019 और 2020 में मोदी जी आए थे और डबल इंजन की सरकार बनाई थी, इनको पता था नीतीश कुमार को कि मेरे अकेले से कुछ नहीं होने वाला, अगर मोदी जी का हाथ, मेरा आशीर्वाद, मोदी जी का आशीर्वाद अगर नीतीश कुमार पे आ गया तो जीतेगा। और रही बात 2024 के इलेक्शन की, भाई साहब मेरा तो एक वोट नहीं जाएगा, जो इंसान 8वीं बार शपथ ग्रहण करता है, जो इंसान 7 बार दल बदल कर सकता है, जो इंसान बीजेपी का सगा नहीं हो सकता, जो इंसान अपने परिवार का सगा नहीं हो सकता, अगर परिवार का सगा था तो आरजेडी से संबंध क्यों तोड़ा, जो इंसान अपने परिवार का सगा नहीं हो सकता वो हमारे देश का सगा होगा, और 2024 की आप बातें कर रहे हो, 2024 का जो इलेक्शन आएगा मैं किस यहाँ पे वोट दे दूँ उसे, जरूरी नहीं है पाकिस्तान और बांग्लादेश, 2 सेकंड लगता है भाई साहब, साइन ऐसे होता है बस,
देश को बिकने में टाइम नहीं लगता, देश ऐसे ही बिक जाता है। और मैं किस यहाँ पे नीतीश कुमार को वोट दे दूं? आज की डेट में भाई साहब बिहार में जितने भी लोग हैं, आज मैं बिहार के लोगों की तारीफ करता हूँ, जितने भी बिहार के लोग निकलते हैं आईएएस आईपीएस यूपीएससी सब दिल्ली में क्रैक करते हैं, दृष्टि आईएएस विजयन आईएएस जितने एसएससी के एग्जाम होते हैं आपको पता है वो दिल्ली में आते क्यों है? क्योंकि बिहार में शिक्षा अच्छी नहीं है। अरे बिहार में शिक्षा अच्छी नहीं है, मैं तो यह कह रहा हूँ, जब एनडीए से वो जुड़े थे उन्होंने तब भी काम नहीं करा। ये तो मोदी जी ने ये सोचा कि यार नीतीश कुमार बिहार का कुछ भला कर देगा। पहली बात तो मैं आपको एक थोड़ा हिस्ट्री लेके चलता हूँ कि जो क्या कहते हैं ये राहुल गांधी है, ये फॉरेन से पड़ा हुआ है, ये हमारा दुख दर्द नहीं समझ सकता। लेकिन एक चाय वाला, मैं किसी बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक चाय वाला हमारे बीच में से निकला हुआ है, उसे हमारे दुख दर्द का पता है। इसीलिए जो लोग कह रहे हैं, जो लोग कमेंट में कर रहे हैं कि जब तक बीजेपी के साथ नीतीश कुमार था जब तक तो वाह वाह, और बीजेपी से हटने के बाद क्या कहते गाली दे रहे हो, तो मैं उनका भी थोड़ा क्लियरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को इसलिए बनाया था क्योंकि वो क्या कहते बिहार के बीच में रह चुका है, उसे बिहार की स्थिति का पता है, नीतीश कुमार को इसलिए बनाया गया था। और रही बात 2024 में मोदी जी खुद नीतीश कुमार को निकाल देते, भाई साहब दो बार, सात आठ साल तो हो गए नेता बने हुए उन्हें बिहार में, नीतीश कुमार को सात आठ सालों में क्या काम करा? बिहार की जनता तो ये पूछ रही है क्या उन्होंने उद्योग, पानी की कमी है भाई साहब, कितनी पानी की कमी है बिहार में, बिहार में सबसे बड़ी बात, सारी बात छोड़ो भाई, सारी बात छोड़ो, महिलाओं की इज्जत वापस ला सकते हैं, जितने भी गैंग रेप होते हैं, जितने भी किडनैप होते हैं, और किडनैप की बात छोड़ो, ये किडनैपर आपको पता है कल परसों को एक कानून मंत्री ने शपथ ग्रहण करी थी, अरे किडनैपरों को ही बना दिया, किडनैपरों को ही बना दिया मंत्री, हमारे देश का कैसे विकास होगा? ये हमारे देश के विकास की बातें कर रहे हैं, मेरा देश महान, मेरा देश महान, अरे मेरा भारत महान कहने से भारत महान नहीं होता, भारत को महान बनाना पड़ता है। और रही बात ये नीतीश कुमार की, ये अपनी राजनीति में इतना गंदा फंस रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ दावा स्टैम्प पेपर पे लिख के ले लो, अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ दूंगा, 2024 में जो प्रधानमंत्री के इलेक्शन की सोच रहे हैं ना, बिहार में भी नहीं जीत पाएंगे। बिहार में जो कानून मंत्री के रूप में शपथ ली है कार्तिक सिंह ने, उनको लेके लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति पे अपहरण का मुकदमा उसी को कानून मंत्री बना। देखिए बिहार में जब से सरकार वहाँ पे फिर से चेंज हुआ है, उसके बाद से वहाँ पे आप देखेंगे तो लगातार जो हत्याएं हैं वो बढ़ रही है। ठीक है, अब शाम में रात में 8 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, जो जंगल आप कहाँ से हैं पहले? मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बिहार में ही हूँ। बिहार से ही? हाँ, तो वहाँ पे पहले जो लालू के ज़माने के टाइम में 90s में हुआ करता था कि आपको रात में 8 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, वही सेम जंगल राज फिर से आपको देखने को मिलेगा। और ये रिसेंटली अभी 5 से 10 दिनों में आपने देखा कि 3 हत्याएं हो गई बुरी तरीके से, फौजी की भी हत्या, बताइए फौजी की भी हत्या हो गई, और ये लगातार आपको रुकने का नाम नहीं लेगा और ये लगातार हत्याएं होती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये लोग सत्ता के लालची हैं, अपने सत्ता पाने के लिए ये लोग किसी की हत्या करवा सकते हैं, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए आप जो मंत्री वो व्यक्ति बन गए, मैं वही कह रहा हूँ ना, जो मेन विधायक है वो कहीं ना कहीं लालू के साथ में है। ठीक है, और नीतीश जी के साथ में ज्यादा विधायक है नहीं, अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो तुरंत सरकार गिरा देंगे वो, और वो लोग अपनी मर्जी से उनको जैसा सहूलियत मिलेगा, उनके जितने अभी तक के जितने फंसे हुए मंत्री हैं, जितने जिन पे आरोप लगे हुए हैं, वो सारे के सारे अब आप देखोगे तो किसी न किसी पे कोई करप्शन का आरोप है, किसी पे भ्रष्टाचार का है, किसी पे चावल घोटाले का है, तो ये सारे आरोपी को मंत्री बनाया गया। और अब आप आने वाले टाइम में देखोगे कि कहीं हत्याएं हो रही है, फिर से कोई ना कोई करप्शन निकल के सामने आ रहा है, और जो भी डेवलपमेंट अभी तक हुआ था आपको मैं बताऊं, अभी जो पिछले 70-75 वर्षों में हमारे इंडिया में 140 एयरपोर्ट बना था, अभी तक अगर आपको मैं डेटा बताऊं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 70 एयरपोर्ट इन 5-6 सालों में 7-8 सालों में बना है जो मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में। दरभंगा एयरपोर्ट जो वहाँ पे लोग कभी सोच नहीं सकता था कि वहाँ पे एयरपोर्ट बन सकता है, वो एयरपोर्ट बना। वहाँ की सड़कें इतनी अच्छी हो गई थी अभी जब 7-8 सालों में, लेकिन उन सब पे अब पानी फिर जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो सारी जो डेवलपमेंट वाली जो जितनी नीतियाँ थी वो इनकी अब बंद हो चुकी है, हत्याएँ चालू हो गया है, करप्शन चालू हो गया है, बेरोजगारी वहाँ पे अब देखना बढ़ रहा है। अभी जब इनके शाहनवाज हुसैन साहब जब इनके मंत्री थे रोजगार मंत्री, उन्होंने एमएसएमई के सेक्टर में दूसरे नंबर पे पहुंचा दिया था बिहार को, इतनी रोजगार वहाँ पे नए नए इंडस्ट्रीज लग रहे थे, नए नए वहाँ पे रोजगार का ऑप्शन खुल रहा था, वो सारी चीज़ें अब बंद हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और फिर से ये अपना घर परिवारवाद वाला जो राजनीति है वो चालू कर देंगे, और फिर से वही है डेवलपमेंट जो बिहार जिस स्थिति में था पुनः उसी स्थिति में आ जाएगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2024 में भाजपा जैसी पिछली बार थी इस बार बचेगी नहीं। नहीं नहीं नहीं, देखिए नीतीश कुमार तो कुछ भी कहेंगे, वो एक राजनीतिक आदमी है तो उनका तो काम है कहना, लेकिन 24 के लिए जैसा ये सोच रहे हैं ये सारे लोग, अगर एक साथ मिल भी जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप याद करो महाभारत में तो कुछ ऐसा ही हुआ था,
कौरव कितने थे और पांडव 100 थे और पांडव सिर्फ 5 थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या कहा था, यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारती अभ्युत्थाना धर्मस्य तदात्मान्यं सिद्धिराभ्यं परित्राणात् साधुनं विनाशाय च दुष्कृतं। तो वही अभी मोदी जी हैं और मोदी जी के बाद योगी जी हैं, ठीक है। ये कौरव की तरह चाहे विदेश से भी किसी को ले आए कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि देश की जनता किसके साथ है वो देखना पड़ेगा। ये नेताएं नेता चाहे कितने भी आकर के मिल जाए, ये कुछ भी गठबंधन बना ले, ये कितना ही करप्शन कर ले, ये कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि देश का जनता जो है, आप किसी से भी उठा के पूछ लो, कहीं भी किसी भी स्टेट में चले जाओ, कोने कोने में चले जाओ, सबको पता है कि आपको कौन गुमराह कर रहा है और कौन आपके डेवलपमेंट के लिए सोच रहा है। तो 24 में तो क्लियर है, मैं 24 की बात तो आप करिए मत, अगर आपको करना है तो 29 की या 29 के आगे की बात करिए, 24 में तो क्लियर है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर OBC चेहरा बिहार से आता है, मोदी जी भी OBC समझते हैं, अगर OBC चेहरा नीतीश कुमार का बिहार से भी आता है तो भी कोई वर्चस्व नहीं मानता? अब देखिए, जो जाति समीकरण पे पहले इलेक्शन होता था, चाहे बिहार में यूपी में, वो सारी चीज़ें खत्म हो चुका है। अगर जाति पे इलेक्शन होता तो यूपी में ही ऐसा रिजल्ट नहीं आता या बिहार में ऐसा रिजल्ट नहीं। अब सब दे रहा है डेवलपमेंट पे वोट, अब सब दे रहा है विकास चाहिए सबको, शिक्षा अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ मोदी गवर्नमेंट ही दे सकता है। तो उन मुद्दों पे वोट आज के टाइम पे पड़ता है। वो जाति वाला जो समीकरण था आज से वो 10 साल पहले की बात थी। अगर वो 10 साल पहले आप पूछ रहे होते तो मैं कहता कि ठीक है, ये चीज़ें हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो लोकसभा के चुनाव में बिहार का आप मानते हैं कि मोदी के पक्ष में जाएगा? बिल्कुल, मोदी के। लास्ट टाइम भी जो वोट पड़े थे इनके, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पे ही वोट पड़े थे। नीतीश जी का अब वहाँ पे अस्तित्व बहुत कम हो चुका है, जनाधार बहुत कम हो चुका है, ये आप मेरे से लिख के ले लो, क्योंकि मैं वहाँ गाँव से बिलोंग करता हूँ। मुझे वहाँ का जो बच्चा बच्चा है, बुजुर्ग को आप छोड़ दो, जो बच्चा बच्चा, वो उन सबके दिलों में मोदी जी ही छाए हुए हैं और वो सब मोदी को ही जानते हैं। और क्योंकि सबको अल्टीमेट डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, सबको ये चाहिए, और वो मोदी जी ही कर सकते हैं और उन्हीं के नाम पे आ रहा है। आप बिहार से हैं तो आपको लगता है कि 3 साल अभी बचे हैं सरकार के, 3 साल तक ये गठबंधन की सरकार चल जाएगी? देखिए, अगर आपको स्टेटमेंट याद हो तो तेजस्वी जी ने ही क्या कहा था कि ये पलटू चाचा हैं, वो उनका स्टेटमेंट है। तो पलटू चाचा कब पलट जाएंगे वो कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। अब देखने वाली बात होगी कि उनका अब जो उनके साथ में गठबंधन है वो कितने दिन खींच पा रहा है, इस पर मैं क्या बताऊं आपको, क्योंकि वो पलटू रहा है, वो कभी भी पलट सकते हैं। उनको जहां पे अपना हित दिखेगा, वो स्टेट या देश के लिए नहीं देख रहे हैं, उनका अपना हित अगर इधर दिख रहा है तो इधर आ रहे हैं, अगर उधर दिख रहा है तो उधर जा रहे हैं। अभी तक मुझे ये लग रहा है कि 7-8 बार तो अपना पाला बदल चुका है इधर से उधर। तो यही चीज़ होगा, जब उनको लगेगा कि अब लालू के साथ में रहना पॉसिबल नहीं है, भ्रष्टाचार के सारे आरोप उन पे आ रहे हैं, तो फिर वो पाला बदल करके इधर आ जाएंगे। ये होगा सीधा सा, खुद की छवि को साफ कर लेंगे। खुद की छवि को साफ अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तब तक उनके पास इतने दाग धब्बे लग चुके होंगे कि वो फिर साफ नहीं हो पाएगा।